ऑल राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. लास्ट फ्यू मिनट्स खावर, एजुकेशन के बारे में जानना चाहती हूँ. अब जो लड़कियाँ आ रही हैं, मैंने देखी हैं रीसेंट कुछ शोज़ भी आ रहे हैं जिसमें मॉडल्स बनाई जा रही हैं, ऐसा लगता है वो पढ़ी लिखी नहीं. क्यों, क्या पढ़ी लिखी लड़कियाँ कभी नहीं आएंगी मॉडलिंग में? नहीं, आपका पढ़े लिखे क्या मतलब, मतलब जो इनबॉर्न उनको ट्रेनिंग जिनको मिली? जिनको शौक हो पढ़ने का, जिनका एक्सपोजर हो रही, जिनका सारी बात एक पढ़े लिखे बंदे में और एक ऐसे बंदे में फर्क नहीं होगा. एकेडमिकली आप जब पढ़ते हैं तो आप आपको बोलना आ जाता है वाकई? जाहिर बात है, यू हैव द कॉन्फिडेंस. आपको नहीं कॉन्फिडेंस? आई डिसएग्री विद दैट. आई हैव सीन पीपल हु आर एमबीएस और हैव डन ऑनर्स एंड, लेकिन आपको क्या लगता है एक अंक? ठीक है, ठीक है, सेंस. आई एम नॉट सेइंग कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वो बात इंग्लिश ओनली, वो सेंस ही नहीं बात कर सकते. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट अगर आप उसको उस तरह से एक्सेप्ट करें जो उसका मकसद है. क्या मकसद है वो? डिग्री लेना मकसद नहीं होता. डिग्री वो मकसद ये होता है कि आप अंदर से कितने, आपके पास नॉलेज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रूम हो रही है, तब एजुकेशन का मकसद काम करता है. और आप कितना एग्री से लर्न करते हैं, अगर आप कुछ कुछ ना कुछ रोज लर्न कर रहे हैं तो आप इंसान है, अदरवाइज मेरा ख्याल कुछ नहीं है. अच्छा, अब क्या ट्रेंड है आने वाले वक्त में? व्हाट डू यू सी, यू बीइंग द पायनियर्स, आप पायनियर्स में से हैं, वन ऑफ द पायनियर्स, तो क्या ट्रेंड है, क्या इस इंडस्ट्री ये मजीद फ्लरिश करेगी? वैसे पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री का काफ़ी नाम है, तो आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं, क्या है, वेयर डज इट स्टैंड? जहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रियाँ स्टैंड करी वहाँ पे ये भी आगे नहीं जाएगी, वहीं पे डिपेंड करता है ना. यहाँ की पर्टिकुलर सिचुएशन काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है. हाँ. जो आपको अचानक पता चलता है कि कोई ऐसा इंसान आ गया जो बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान रखता है, जो कि शायद हमारे मजहब में नहीं होगा, तो वो अपनी एक पर्सनल वो उसमें डाल देगा. अगर एक आएगा तो बहुत आज़ादी देगा, इतनी आज़ादी हो जाएगी कि कुछ चीज़ें गलत होने लग जाती हैं. तो एक बैलेंस की ज़रूरत है. अच्छा, बैलेंस की ज़रूरत है. और ये मुझे बताइए, आप दोनों से सवाल है मेरा, कि फैशन इंडस्ट्री जो है हमारी पाकिस्तान की, ठीक है, वो किसको फॉलो करती है? एक माइंड सेट होता है ना, हॉलीवुड को करती है, बॉलीवुड को करती है, क्या है या इंडिविजुअल है ये? वो एक खिचड़ी है बहुत बड़ी जो सबको सबको फॉलो करती है, अपने आप को भी करती है. जिसके दिमाग में जो आता है वो करता जाता है. और मैं ये भी कहूँगा कि इतनी सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, सब प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये काम फिर भी शोज कर रही होती है, काम पे लगी होती है, और फिर भी इनको बस जीना है और काम करना है. हमारे में बहुत जज्बा है, में ये बहुत दूसरी, जज्बा है. ये दूसरी बात है कि उनको पता नहीं कि जाना किधर है, जाना किधर. अच्छा, सब खूबसूरती की अगर बात की जाए, आपने पहले भी कहा था आप हुस्न परस्त हैं, हर कोई होता है, और अच्छी बात भी है ये. तो नूरे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप मिलते हैं लोगों से, कौन से ऐसा जगह, कौन सी सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लगते हैं, जहाँ पे खूबसूरती वहाँ पे सबसे ज्यादा है? विच प्लेस डू यू थिंक, पाकिस्तान है, इंडिया है, या कोई और? अगर आप इंडिया जाते हैं ना तो आप वापस कहते हैं कि हमारे मुल्क बाबा की खूबसूरती है. अच्छा, ये तो जो वहाँ गया है उसने पाकिस्तानी औरतें खूबसूरत है. हाँ, बिल्कुल है, बहुत खूबसूरत. और अगर फॉरनर्स इनको करें, कंपेयर करें, बहुत कट की है. और नहीं, इवन हमारे आई थिंक फॉरनर्स में अगर आपके जॉ लाइन जो कहते हैं आप स्ट्रक्चर है तो फीचर्स नहीं है. हम लोग सिर्फ ये कहते हैं हम अपने आप का ख्याल नहीं रखते, हमें थोड़ी अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करनी चाहिए ताकि हम थोड़ा उस चीज को रख सकें और हेल्दी रहें. गोरों में आप क्या कहोगे अगर बाहर जा रहे हो तो उनकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हैं एक्चुअली, जनरली उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जो उनके नजर आता है. हम जनरली स्ट्रक्चर वाइज, फीचर वाइज, कॉम्प्लेक्शन वाइज हम बहुत खूबसूरत हैं. अच्छा, ठीक है, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान में खूबसूरती है फीचर्स वाइज आपको नजर नहीं आती? मैं तो आपसे पूछ रही, मेरा तो कमेंट रिजर्व्ड है. लड़कियों में खूबसूरती आपने मेकअप, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी. लड़कियां खूबसूरत है खावर का कहना, मुझे कहते हैं मुझे नजर नहीं आती. मुझे तो नजर आती है, और क्यों नहीं आती? नहीं है, बिल्कुल मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत है. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आपसे दोबारा भी कभी मुलाकात होगी किसी और शो में. आई होप यू हैवंट माइंड योर ब्रेक. थी नाज़रीन, आप लोग भी मेरे साथ ही रहिएगा, कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए गेस्ट के साथ. तब तक फातिमा सैफ को इजाजत दीजिए, अल्लाह أحلى مساج واحد راكع واحد ساجد ساعة الفطر ندعي المولى سحرنا يلا يا عم حسين رمضان سايبنا ورايح فين يا شهر واحد مش شهرين يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين رمضان ما تستنى شوية يا نور لأيامنا الجاية لو كنت عايز تفارقنا اوعدنا نتقابل بعدين رمضان سايبنا